फिर से स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपा वाफिला। कुशीनगर सहारनपुर में जहरीली शराब का मामला है। एडीजी एलओ आनंद कुमार का बयान सामने आया, यूपी में जहरीली शराब से अब तक 62 की मौत हो गई है। आनंद कुमार ने यह कहा, अधिकारियों पर आखिर एक्शन कब होगा, लगातार ये सवाल हम पूछ रहे हैं। एडीजी एलओ आनंद कुमार का बयान सामने आया है पूरे मामले में। उन्होंने कहा कि यूपी में जहरीली शराब से अब तक 62 की मौत हो गई है। सहारनपुर में 36, कुशीनगर में 10, मेरठ में 18 मौतें हो चुकी हैं अभी तक। और उत्तराखंड के हरिद्वार से ये शराब लाई गई थी, ये जानकारी उन्होंने खुद दी। हरिद्वार की शराब से मेरठ सहारनपुर में मौतें हुई हैं, ये कहा गया है। अधिकारियों पर लगातार एक्शन कब होगा, सवाल हम पूछ रहे हैं। सख्त कार्रवाई के अधिकारियों को आदेश दे दिए गए हैं। क्या है, बिहार में प्रोहिबिशन है और बिहार में प्रोहिबिशन है तो ऐसे तत्व जरूर हैं जो चाहते हैं कि वहाँ पे शराब जाए। तो इस घटना की जड़ जो है जनपद उत्तराखंड प्रदेश में जनपद हरिद्वार से ही पाया जाना प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है। जब रेडा थाना क्षेत्र में एक फ्यूनरल सेरेमनी का कार्यक्रम था, उसको तेरवी के कार्यक्रम में वहाँ पे ऐसी शराब का सेवन भी किया गया और वहाँ से वो शराब लाई गई। तो जो अभी तक प्रथम दृष्टया जानकारी है सूत्र वहीं से, सोर्स वहीं है शराब का, और उसी कारण से जनपद सहारनपुर में ही मौतें हुई हैं और जनपद मेरठ में भी, क्योंकि लोग वहां पे वहां से लोग वहां उसमें प्रतिभाग करने गए थे। और इसी पर अपडेट के लिए मेरे सहयोगी मेरठ से शोएब जिया मेरे साथ जुड़ चुके हैं। शोएब के पास स्थिति चलते हैं। शोएब, क्या अपडेट है पूरी खबर पर अभी तक? दीपा, अभी तक जो है सिर्फ यहाँ पे मेरठ में 32 लोग भर्ती कराए गए थे, जिसमें से 18 लोगों की पुष्टि हो गई है, मौत की पुष्टि हुई है। और उसके बाद यहाँ मेरठ के जो उनके जो परिजन हैं उनमें हाहाकार मचा हुआ है, क्योंकि यह अवैध पूरी जो कहते थे जहरीली शराब, उसको पीने से लोग बाओं की मौत हुई है। और लोगों मौत का जो सिलसिला है वो अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि कुछ बाद यहां से जो सहारनपुर है, सहारनपुर से लगातार मेरठ के मेडिकल कॉलेज में जो मरीज हैं वो भर्ती कराए जा रहे हैं। उसी के साथ जो मेरठ में जो अवैध शराब का जो कारोबार संचालित होता है उसके खिलाफ देहात के खादर में बड़ा अभियान चलाया गया, जिसमें लाखों लीटर कम से कम जो लहन थी वो नष्ट करी गई और जो वहां पर दर्जनों जो अवैध की जो जहरीली शराब की भट्टियां हम कह सकते हैं उनको वहां पर तोड़ा गया। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं इतनी मौली मौतों के बाद जो मेरठ की जो पुलिस है वो कहीं नींद से जागी है। और जो मेरठ में अभी तक हम लेटेस्ट अपडेट की पर बात कर सके, जो 18 लोगों की मौत हुई थी उनमें से सिर्फ अभी यहाँ पे 11 लोगों का पोस्टमार्टम ही हो पाया, बाकी जो अभी लोग बचे हुए हैं उनका अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। यहाँ पे जो मेरठ का जो प्रशासन है सिर्फ 11 लोगों का ही हो पाया है। अब मेरठ में ये भी आपसे जानना चाहूंगी शोएब कि मेरठ में कौन कौन से हिस्से हैं, कौन कौन से गाँव हैं जहाँ से मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं जिनकी हालत बिगड़ रही है। दीपा, मेरठ से नहीं, ये जो सारा का सारा जो शराब कांड है ये सहारनपुर में हुआ था। जो सहारनपुर में जो अस्पताल है वहाँ पे कमी है भर्ती की, तो उसके बाद जो उपचार वहाँ लोगों को सही नहीं मिल पा रहा था, उन्हीं में से कुछ 32 लोगों को जो है मेरठ के जो मेडिकल कॉलेज है उसमें भर्ती करा गया, जिसमें 18 लोगों की मौत हुई थी। लेकिन जो अभी तक जो सबसे बड़ा सवाल है, जो उसमें जो जिनका उपचार चल रहा है उनमें से कुछ लोग ऐसे भी बताए जा रहे हैं जिनकी आंखों की रोशनी चली गई है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि अभी इस बात की नहीं हुई है, लेकिन जो सबसे बड़ा मिथाइल एल्कोहल जो है उसका पूरा का पूरा असर है उसका, जो वो आंखों पे पड़ता है, तो जो जिन लोगों का उपचार चल रहा है उनकी आंखों की रोशनी पे एक बड़ा सवाल बना हुआ है। इतनी बड़ी मौत और वहां पर पहुंचे थे उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है अभी भी। इसी पर